रिग क्या है। इस वीडियो के अंदर में रिग को कैसे ज्वाइन करना है, रिग में कहां तक अपॉर्चुनिटीज़ है, कितनी सैलरी आप, कितना पैकेज आप ले सकते हैं, आपकी फ्यूचर क्या है, रिग को कैसे ज्वाइन कर, रिग में कितना पैसा आपको मिल सकता है, ये सारे छोटे छोटे चीज़ पे मैं मेन पॉइंट पे बात करूँगा, बुलेट पॉइंट पे। देखो, रिग में जाने का कारण ये है कि एक ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पैकेज, ज़्यादा सैलरी, और दूसरी चीज़ है कि जो ऑन ऑफ जो ड्यूटी, जो रोटेशन है, 28 दिन वर्क और 28 दिन ड्यूटी, जो 28 डेज़ का जो वर्किंग पीरियड होता है और 28 डेज जो है ऑफ होता है, यानी कि आप घर पे भी जाएंगे तो आपका आने जाने का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन, जो एयर टिकट है, फेयर है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ रिग के बारे में जो मिडिल ईस्ट में जो काम कर रही है, जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, जो मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्री में जो रिग काम करती है, उस रिग में अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर आपको पैसा पे करती है, आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था यूथ जो है ना, आज की जो युवा है क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यही कारण है। एक तो बेस्ट क्वालिटी का खाना मिलेगा, आपकी जो रिहाइश होगी, आपकी जो रहने का जो वहाँ पे रेसिडेंस होगा वो बहुत ही अच्छे लेवल में, फुल फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ रहने के लिए, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पैसा, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, फुल मेडिकल सुविधा, हर तरह की फैसिलिटीज़, यानी कि आपको अपने जेब से, अपने पैसे से, अपने पर्सनली आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी इतना ज़्यादा पे कर देती है, इतनी फुल फैसिलिटीज़ देती है कि आपको जितनी भी सैलरी है उस समझिए 100 में 99.9% आपका सेव हो जाता है। यही कुछ कारण है जो आज की जो यूथ है, युवा है, जो अट्रैक्ट हो रही है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है रिग में काम करने के लिए। तो आइए पहले हम जानते हैं कि रिग होता क्या है, इसको बनाने का पर्पस क्या है, इसका जो वर्क क्या है, रिग का मेनली क्या काम होता है, क्या काम लिया जाता है रिग से। देखो, रिग जो है ना, ऑयल एंड गैस को निकालने के लिए ज़मीन से ही रिग को यूज़ किया जाता है, ड्रिल करके, ज़मीन को ड्रिल करके रिग। अब रिग में भी दो तरह के, एक ऑफशोर है जो समुद्र के अंदर है, जो किनारे समुद्र के अंदर, जो ज़मीन से काफ़ी अंदर समुद्र में एक जो शिप के ऊपर में प्लेटफॉर्म बना रहेगा, उस प्लेटफॉर्म से समुद्र के नीचे पाइप डाल के, पाइपलाइन लगा करके वहाँ से क्रूड ऑयल गैस निकाला जाता है। दूसरा होता है रिग, इसे भी रिग बोलते हैं, ये ऑफशोर है, ये ऑनशोर है। ऑनशोर मीन्स कि जो ग्राउंड लेवल पे है। एक रिग होता है जो ज़मीन के अंदर, जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है हमारा, अर्थ है, उसको ग्राउंड किया, उसको ड्रिल किया जाता है, उस ग्राउंड को ड्रिल किया जाता है, ड्रिल करके वहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। ये सारे प्रोसेस को पूरा करने के लिए रिग की ज़रूरत पड़ती है। ये जितनी भी मशीनरी लगी होती है, जितना भी सेटअप बना होता है, जो भी प्लेटफॉर्म बना होता है, उस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए कुछ लोगों के, कुछ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जो रिग में चाहिए। उसके कुछ पोजीशंस होते हैं, कुछ कैटेगरी होते हैं, जो अलग अलग जो है पोजीशंस बनाए गए हैं किसका क्या काम है। तो ये जो पूरा सेटअप है, इस सेटअप को रिग बोलते हैं। अब रिग में एक हो गया ऑफशोर जो समुद्र के अंदर है, और एक होता है ऑनशोर, काम दोनों से वही लिया जाता है। क्रूड ऑयल एंड गैस के लिए इसे भी यूज किया जाता है, और ऑयल एंड गैस के लिए इसे भी यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस क्या क्या होते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या पोजीशंस होते हैं, इसमें क्या क्या, किस तरह के जो इसमें स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि रस्ट अबाउट होता है, फ्लोर मैन होता है, डेरिक मैन होता है, ड्रिलर होता है, असिस्टेंट ड्रिलर होता है, टूल पुशर होता है, रिग मैनेजर होता है, क्रेन ऑपरेटर होता है, HSE सेफ्टी ऑफिसर होता है, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट उसको शॉर्ट में बोलते हैं, सेफ्टी ऑफिसर भी बोलते हैं, होता है, रिगर होता है। इस तरह के कुछ वर्क हैं, कुछ स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन आप एक बैक टूल पुशर में आप फ्रेशर हैं, आपने पहले रिग में काम नहीं किया, और टूल पुशर में या बड़े लेवल पे आप नहीं जा सकते हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं है, किसी भी तरह की कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो काम है ना, जैसे डेरिक मैन का काम है, तो एक्चुअल में उससे काम डेरिक मैन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, क्योंकि ये डेंजर वर्क होता है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि थोड़ा रिस्की जॉब होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं निभाया, आपको काम की जानकारी नहीं है, आप कोई मिस्टेक कर दिए, तो किसी की जान जा सकती है, किसी की लाइफ खतरे में आ सकती है। इसीलिए इसमें एक्सपीरियंस्ड बंदा ही, जो रिग में काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों की ही रिक्वायरमेंट होती है। और उसमें पैसे की बात कर लेते हैं, तो पैसे जो सबसे जो नीचे का जो लेवल होता है, जैसे क्लीनर लेवल का जो आदमी होता है, जो साफ सफाई का काम करता है, उसके भी अराउंड 40 से 45 हज़ार रुपया रहता है। सबसे अच्छी बात क्या है,
45,000 रुपीज इंडियन करेंसी के हिसाब से इसमें सैलरी होती है, जो सबसे लो लेवल के जो लोग हैं, तो सबसे लो लेवल लेबर कैटेगरी में जो आते हैं उनकी भी सैलरी 40-45,000 रुपये होती है। अगर आप मिडिल ईस्ट में काम करते हैं तो, अगर पाकिस्तान से आप बिलोंग करते हैं तो आपके करेंसी के हिसाब से, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो आपकी करेंसी के हिसाब से बनेगी। लेकिन ये जो 40,000-45,000 रुपीज़ जो मैंने बताया, ये इंडियन करेंसी के हिसाब से बताया, ठीक है। तो अगर सऊदी रियाल की बात करें तो 2000 रियाल, 2200 रियाल, आप मान के चलो 2500 रियाल भी हो सकता है रिग में, जो बेसिक लेवल की जो काम है, जो वर्क है। इसके अलावा आपका जो आने जाने का जो फेयर है, जो एयर टिकट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के इसमें खाना फूड प्रोवाइड किया जाता है, जो बेस्ट क्वालिटी के फूड है, फूड अच्छा होता है इसमें। आपकी जो रहने का जो वहाँ पे घर मिलेगा, आपकी जो रिहाइश होगी, जो आपका कैंप होगा, वो अच्छे क्वालिटी अच्छा वहाँ पे मेंटेन करके दिया जाएगा। तो यही कुछ कारण है जिसके कारण यूथ जो है लोग इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा ऑफशोर के तरफ, ठीक है, ऑयल एंड गैस में होता है। और वो भी अगर आप ऑफशोर में हैं, समुद्र के अंदर हैं, तो ये आपका पैसा, ये आपकी जो फैसिलिटीज और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बढ़कर मिलेगी आपको। और अगर ऑफशोर में हैं, सॉरी ऑनशोर में हैं, जो ग्राउंड लेवल पर कहीं भी, तो भी आपका ठीक ठाक मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे ज्वाइन किया जाए, इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है। देखो, अगर आपने सबसे पहली बात कि अगर आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, आपके कंट्री में अगर रिग है डोमेस्टिक लेवल पे, तो उसमें पहले आपको काम करना होगा, क्योंकि इसमें ट्रू एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए, जो सही में जेन्युइन तरीके से काम किया हो, फेक नहीं चलता है इसमें, ठीक है। इसीलिए रिग, कोई भी रिग जो कंपनी है, जो रिग चलाती है, जो रिग का जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, जो कंपनी का काम ही है, वो एक्सपीरियंस्ड बंदा लेती है, इसमें कहीं से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, ठीक है। और एक बार आपने रिग में काम कर लिया, तो दोबारा यकीन मानो कि आपकी लाइफ का एक जो खिड़की है ना, एक विंडो है, एक जो लॉक लगा हुआ है, वो लॉक खुल जाएगा। आप फिर पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये रिग कंपनी छोड़कर दूसरे रिग कंपनी जाने में थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप छोड़ेंगे ही नहीं, बहुत रेयर छोड़ेंगे। जब आप कहीं दूसरी जगह काम तलाश लेते हैं, दूसरी जगह बात कर लेते हैं दूसरे कंपनी में, तभी छोड़ना इसको, ठीक है। ये एक रूल होता है, एक अच्छा एक प्रोसेस होता है। तो इसमें अगर आप प्लस टू हैं, टेंथ पास हैं, आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है, डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रिग को। इसमें बहुत सारे, जो मैंने पोजीशन बताया, इसमें पोजीशन पे काम है। बहुत सारे रिग कंपनीज जो हैं, जो ऑफशोर में स्पेशली जो काम कराती है, कुछ उसने कोर्स को डिजाइन किया हुआ है कि भाई ये कोर्स आपको करना होगा रिग में, समुद्र के अंदर में काम करने के लिए कुछ डिसिप्लिन होते हैं। ग्राउंड पे काम करना और समुद्र में 10 किलोमीटर अंदर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अंदर जाकर काम करना, ये अब दोनों में बहुत ही आसमान और ज़मीन के बीच की जितनी डिफरेंस है, उतनी डिफरेंस मानी जाती है। क्योंकि वहाँ पे एक डिसिप्लिन में काम होता है, आपको सेफ्टी फुल प्रिकॉशन को फॉलो करना है, सेफ्टी रूल को फॉलो करना है, सेफ्टी प्रिकॉशन को आपको यूज करना है, जो भी गाइडलाइन बनाएगा उसी गाइडलाइन के अंदर में काम करना है। आपने अगर थोड़ा भी डिसिप्लिन को अगर आपने ब्रेक किया, तो कई लोगों की जान जा सकती है, आपकी जान जा सकती है, आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए कुछ कोर्स बनाया गया है, उस कोर्स को आप कर सकते हैं। अगर रिग के अंदर में ऑफशोर में आप काम करना चाहते हैं, तो कुछ कोर्स को बनाया गया, उस कोर्स को आपको करना होगा। बहुत सारी कंपनी कंपलसरी कर दिया है, बहुत सारी कंपनी माइंड नहीं करती है कि आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आज के डेट में जो कंपनीज हैं, वो कोर्स को चाहिए। वो कोर्स बहुत शॉर्ट होता है, बहुत ही कम दिनों का होता है, आप कर सकते हैं, बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। एक ट्रेनिंग होता है, एक लेक्चर होता है, और एक कोर्स को बनाया गया है, कुछ फी उसका अमाउंट होता है, वो आपको पे करना है। एक दो कोर्स का मैं नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि ऑफशोर सर्वाइवल एंड फायर फाइटिंग कोर्स। फायर फाइटिंग का कोर्स है ये, ऑफशोर में काम करने से पहले बहुत सारी कंपनीज जो है इसको लागू कर चुकी है कि भाई ये कोर्स आपको करना है, और बहुत ही आसानी से, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑनलाइन भी होता है, हर जगह होता है, अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे मारो, बहुत सारी इससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। दूसरी कोर्स है बेसिक ऑफशोर इंडक्शन एंड एमरजेंसी ट्रेनिंग, ये भी एक कोर्स है, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ये स्पेशली ऑफशोर में जो काम करने जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कोर्स होता है। अब ज्वाइनिंग का जो मैंने बता दिया प्रोसेस क्या है, कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप जा सकते हैं। आप पेपर में इसका वैकेंसी आता है, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो
कंपनी का ऑफिस है, जैसे इंडिया में कोई ऐसी उसका ब्रांच है जहाँ ऑफिस है, वहाँ पर जाकर के आप अपना CV को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मेरी सजेशन है आप ऑनलाइन ट्राई करें, ऑनलाइन बहुत सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएगी रिग में, लेकिन शर्त यही है कि आप एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए आपको। तो ये इसका मेनली इंडिया के अंदर में राजस्थान और गुजरात की तरफ रिग, बहुत सारी रिग है, छोटी बड़ी रिग होती हैं, जैसे कि ONGC है इंडिया में, ONGC में आप ONGC का ऑफिस में जाइए जहाँ पर उसका वैकेंसी निकलती है, ऑनलाइन आप चेक कीजिए ONGC रिग में। ONGC कंपनी रिग का काम करती है, ऑयल एंड गैस में काम करती है, तो उसमें आप जा कर के ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। आपको फर्स्ट बार ज्वाइनिंग करने में रिग में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन यकीन मानो एक बार आपने अगर रिग ज्वाइन कर दिया तो मिडिल ईस्ट में आपको जाना आसान हो जाएगा। अगर आप इंडिया में काम कर लेते हैं रिग के अंदर में, तो मिडिल ईस्ट में बहुत ही ईजी हो जाता है जाकर काम करना। तो इस तरह से तरीके से आप कर सकते हैं, और बहुत ही एक इसमें बहुत स्मूथ लाइफ चलती है, आपको दूसरा काम करना या इस जॉब को छोड़कर दूसरे कंपनी को ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों जाओगे आप, आपका बिल्कुल स्मूथली लाइफ चलेगा। इसीलिए जो आज की यूथ है वो अट्रैक्ट होती है रिग की तरफ, रिग इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज के डेट में। और ये लोग बोलते हैं कि क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्रूड ऑयल और जो पेट्रोल डीजल है ना, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये ऐसा ही चलता रहेगा, और बैटरी पे चार्जिंग पे गाड़ी व्हीकल आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा, रिग इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो रिग में आप करियर अगर आजमाना चाहते हैं तो रिग में जाइए, और जाने का क्या प्रोसेस है, डोमेस्टिक आपको अपने घरेलू जो कंपनी है रिग की उसमें आप अप्लाई कीजिए, उसके ऑफिस में जाइए, पूछिए कि सर मुझे कैसे इसमें जॉब मिलेगा, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मेरा टेक्निकल ये है, कर सकते हैं। अगर आपने +2 या ग्रेजुएशन कर रखा है तो कोई कोर्स कर सकते हैं, जैसे HSC ऑफिसर मैंने जो बताया, सेफ्टी ऑफिसर बताया, निबोस कर सकते हैं, निबोस कर लीजिए, उसके बाद जो मैंने कोर्स बताया उस कोर्स को आप कर लीजिए, ऑफशोर में ट्राई कीजिए, रिग में ट्राई कीजिए, करना पड़ता है, ठीक है। घर पे बैठ के आप कंफर्टेबल जोन में, जो एक सर्कल बन गया है ना हमारी ज़िंदगी में, जो उस कंफर्टेबल जोन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उसी कंफर्टेबल जोन में हम जीकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उस कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करते हैं, तोड़कर बाहर निकलते हैं, वही आदमी सक्सेस होता है। एक किसी अपने बड़े गोल की तरफ आप बढ़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, टाइम टेकिंग है, टाइम देंगे, समय देंगे, तभी उस गोल को आप अचीव करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये करना आप ही को है, मैं सिर्फ एक रास्ता, एक गाइडलाइन दे सकता हूँ रिग के ऊपर में, किस तरह का वीडियो चाहिए उससे, उसके बारे में और ज़्यादा अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर पहली बार है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बड़े बड़े काम के चैनल है, करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, गमका मेडिकल के रिगार्डिंग, हर तरह के फुल इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों।